हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें यूनिट 5 फार्माकोग्नोसी का चैप्टर कार्बोहाइड्रेट से ट्रैगाकैंथ के बारे में पढ़ना है। ट्रैगाकैंथ एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि यूजली ट्रैगाकैंथ गम के फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये एक नेचुरल गम है, यानी कि जो आपके बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उनमें इंसर्शन करके या उनमें कट लगा के उनके अंदर से जो उनका लिक्विडी पार्ट निकलता है उसे कलेक्ट करके उसे ड्राई कर लेते हैं, और उसे ड्राई करने के बाद ये इस तरीके के क्रिस्टल के फॉर्म में आपको मिलता है। आप देख सकते हैं जैसा कि इमेज में है, इसको गंध बोलते हैं या फिर गम बोलते हैं। आपने देखा भी होगा इसे, कई बार घरों में भी ये यूज़ होता है। जो ट्रैगाकैंथ गम हमें मिलता है वो जिस ट्री से मिलता है, यानी उसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो कहलाता है एस्ट्रागैलस। और जो स्पीशीज़ आपकी हैं उन स्पीशीज़ में आपका एस्ट्रागैलस गमीफायर, एस्ट्रागैलस एडसेंडेंस, एस्ट्रागैलस ब्राचिकैलिक्स एंड एस्ट्रागैलस ट्रैगाकांथा, ये चार स्पीशीज़ जो हैं, इन चार ट्री की स्पीशीज़ से आपको ट्रैगाकैंथ गम जो है वो नेचुरली ऑब्टेन होता है। कमिंग टू क्या सिनोनिम होते हैं, इसको गम ट्रैगाकैंथ या ट्रैगाकैंथ बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर ऑलरेडी, ये फैमिली लेग्यूमिनोसा के बिलोंग करती है, एस्ट्रालैगस गमिफर या फिर एस्ट्रालैगस ट्रैगाकैंथा या फिर और स्पीशीज़ जो हैं उनके स्टेम या उनके ब्रांचेज या फिर उनका जो ट्रंक होता है उसमें से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसको जहाँ पे ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करें तो ये कहाँ कहाँ मिलता है, ईरान में, ग्रीस में, तुर्की, इराक, सीरिया, इंडिया में जो आपके हिल स्टेशन जैसी जगह जैसे गढ़वाल और कुमाऊँ और पंजाब वगैरह में ये पाया जाता है। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो कलर में ये वाइट या पेल येलोइश कलर का होगा, ओडरलेस रहता है, टेस्ट इसका म्यूसिलेजेनियस हो रहा है, शेप में ये थिन फ्लैट रिबन लाइक फ्लेक्स होते हैं या फिर कर्व्ड होंगे, और इनके साइज़ की बात करें तो 25x12x2 mm के साइज़ के ये होते हैं। द गम इज़ हॉर्नी ट्रांसलूसेंट विद ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल रिजेस। गम जो है वो ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसलूसेंट मतलब ना कम्प्लीटली ओपेक और ना कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, इन बिटवीन। ये जो गम होता है ट्रैगाकैंथ, ये वाटर में सॉल्युबल होता है और ये अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। कल्टीवेशन और कलेक्शन की बात करें तो जो ट्रैगाकैंथ के श्रब्स हैं या जो उसके प्लांट या ट्रीज़ हैं वो 10,000 से 3,000 मीटर के एल्टीट्यूड पे ग्रो करते हैं। इसका जो गम होता है ये प्लांट में जब इंजरी होती है तब ऊज आउट होता है। इसका क्या मतलब है कि जो आपके सेल्स होते हैं वो सेल्स पिथ और मेड्यूलरी रेज में पाए जाते हैं, वो गमी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब प्लांट में किसी तरीके की इंजरी होती है या प्लांट का जो बार्क या स्टेम जो है वो फट गया है या जो तना है उसमें कोई कट लग गया है, तो उसमें होता क्या है कि वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो सेल्स ही इस गमी लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं कि इंसिशंस आर मेड ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टेम, तो इसको कलेक्ट करने के लिए जो लोग इसे कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करते हैं, वो क्या करते हैं, जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो उसके तने पे, स्टेम पे, अलग अलग जगह पे कट्स लगा देते हैं। उन कट्स से जो फ्लूइड ऊज आउट होके निकलता है उसे ट्रैकाकैंथ बोलते हैं। उसे ही कलेक्ट करके ड्राई कर लेते हैं और ड्राई करने के बाद उसे हम गम ट्रैगाकैंथ के जैसे यूज़ करते हैं। यूजली अप्रैल टू नवंबर एवरी ईयर में इसे कलेक्ट किया जाता है। स्टैंडर्ड की बात करें तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो मोर देन 1% नहीं होता है ट्रैगाकैंथ में, सल्फेट ऐश मोर देन 4% नहीं होना चाहिए और मॉइस्चर कॉन्टेंट जो है वो मोर देन 15% नहीं होना चाहिए। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रैगाकैंथ में दो मेन पर्टिकुलर केमिकल्स होते हैं जो ट्रैगाकैंथ को बनाते हैं। पहला होता है ट्रैगाकैंथिन जो कि 8 to 10% होता है, और दूसरा होता है बैसोरिन जो कि 60 to 70% होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि जो ट्रैगाकैंथ है वो वाटर सॉल्युबल होता है, तो जो आपका ट्रैगाकैंथ में ट्रैगाकैंथिन होता है जो कि 8 to 10% होता है वो ही इसे वाटर सॉल्युबल बनाता है। जो इसमें बैसोरिन होता है 60 to 70% वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, और ये दोनों जो हैं ये अल्कोहल में इनसॉल्युबल होते हैं।
जो दो कंपोनेंट्स हैं इनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय सिंपल फिल्ट्रेशन, या जो कि आपका ट्रैगाकैंथ है उसका, अगर आप सिंपल उसको डिसॉल्व करके सॉल्युबलाइज करके फ़िल्टर कर लेंगे तो जो पार्ट फिल्टर होके निकल जाएगा उसमें आपका ट्रैगाकैंथिन होगा, जो ऊपर रह जाएगा उसमें क्या होगा, बैसोरिन होगा, क्योंकि बैसोरिन जो है वो वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होगा, सॉल्युबलाइज ही नहीं होगा, तो वो ऊपर एज अ इम्प्योरिटी या फिर एज अ फिल्टरेट रह जाएगा। ट्रैगाकैंथ में 15% मिथॉक्सी ग्रुप होता है और इसी की वजह से ये वाटर में स्वेल कर जाता है और उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो हाई होती है। जब आप ट्रैगाकैंथ को वाटर में डाल के छोड़ देंगे तो ये वाटर में स्वेल होके ऐसे गोल गोल जली जैसा टाइप का हो जाएगा और इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। बैसोरिन जो होता है वो एक्चुअली वाटर में स्वेल अप हो जाता है और जेल फॉर्म कर लेता है, जबकि जो ट्रैगाकैंथिन होता है वो इंस्टेंट कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेता है। 1% का जो ट्रैगाकैंथ होता है उसका जो विस्कोसिटी है वो 250 सेंटीपॉइज होता है, विच इज़ अ वेरी हाई विस्कोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि 1% सॉल्यूशन ऑफ ट्रैगाकैंथ जो है उसकी विस्कोसिटी 250 सेंटीपॉइजेस होती है। इसके अलावा अगर आप ट्रैगाकैंथ का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो उसके हाइड्रोलिसिस करवाने पे क्या क्या आपको कंपोनेंट्स मिलते हैं, आपको गैलेक्टोरोनिक एसिड मिलेगा, आपको डी गैलेक्टोरोपाइरेनोज मिलेगा, एल अराबिनो रेमिनोज मिलेगा और डी ज़ाइलोपाइरेनोज मिलेगा। केमिकल टेस्ट की अगर बात करें, हम कैसे टेस्ट करेंगे कि ट्रैगाकैंथ है भी या नहीं है, तो अगर आप ट्रैगाकैंथ को सॉल्युबलाइज करके या वाटर में सस्पेंड करके बॉयल करेंगे और HCl ऐड करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो कोई भी रेड कलर जो है वो डेवलप नहीं होगा। अगर रेड कलर डेवलप नहीं हो रहा है मतलब ट्रैगाकैंथ प्योर है, अगर किसी भी तरीके का कलरेशन आ रहा है मतलब ट्रैगाकैंथ जो है वो प्योर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इट डज़ नॉट प्रोड्यूस रेड कलर विथ रूथेनियम रेड सॉल्यूशन ऑल्सो, ये उसके साथ भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर आप ट्रैगाकैंथ को बॉयल करें और उसमें थोड़े से FeCl3 मतलब फेरस क्लोराइड डाल दें तो तुरंत ही डीप येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, जो कि एक इंडिकेटर है कि ट्रैगाकैंथ उसमें प्रेजेंट है। इसके अलावा लेड एसीटेट की प्रेजेंस में ये हैवी प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है और जब ट्रैगाकैंथ को कॉपर ऑक्साइड के साथ सैचुरेट करके प्रेसिपिटेट कराएंगे तो वो कॉन्सेंट्रेटेड NH4OH में डिजॉल्व होके एक प्रेसिपिटेट टाइप का आपको देगा। तो ये कुछ जो है ये आपके केमिकल टेस्ट है, जिन केमिकल टेस्ट की हेल्प से हम टेस्ट करते हैं कि ट्रैगाकैंथ प्रेजेंट है कि नहीं है। यूजेस की बात करें तो ट्रैगाकैंथ को एज अ डेमोलिसेंट यूज़ करते हैं। डेमोलिसेंट क्या होता है, डेमोलिसेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपको इरिटेशन से रिलीफ दिलाते हैं। तो यूजुअली जो आपके कफ सिरप वगैरह होते हैं या कोल्ड प्रेपरेशंस होते हैं उनमें ट्रैगाकैंथ को एज अ डेमोलिसेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग फॉर्म कर सकते हैं और इरिटेशन होने से रोक सकते हैं। दूसरा यूज़ क्या है, इसको एज अ इमोलिएंट भी यूज़ करते हैं। इमोलिएंट का क्या मतलब है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो मॉइस्चराइजिंग में, सॉफ्टनिंग में, सूदिंग ऑफ द स्किन में हेल्प करता है, तो इसको कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं क्योंकि ये एडहेसिव की तरह काम करता है और इसके साथ ही साथ इमोलिएंट के जैसे भी काम करता है। इसके बाद ट्रैगाकैंथ को यूज़ करते हैं एज अ थिकनिंग सस्पेंडिंग इमल्सीफाइंग एजेंट, इसको एकेशिया के साथ यूज़ करते हैं एज अ सस्पेंडिंग एजेंट। आप लोग ने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा कि बहुत सारे प्रेपरेशंस जो होते हैं सस्पेंशन के, और फिर क्रीम हो गया, लोशन हो गया, इन सब में ट्रैगाकैंथ को यूज़ करते हैं आपके लिए सस्पेंडिंग एजेंट या थिकनिंग एजेंट की तरह। इसके बाद जो म्यूसिलेज ऑफ ट्रैगाकैंथ होता है उसको एज अ बाइंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं टैबलेट वगैरह और पिल्स वगैरह बनाने में, और इसको लोशन में भी यूज़ करते हैं, एज अ स्पर्मिसाइडल जेलीज भी यूज़ करते हैं। ये जो है ये आइसक्रीम में यूज़ होता है एज अ स्टेबलाइज़र, इसको आइसक्रीम में 0.2 से 0.3% कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करते हैं, और जो सॉसेजेस हम खाते हैं आपके मेयोनीज हो गए, टोमेटो केचप वगैरह हो गया, इनमें भी ट्रैगाकैंथ को यूज़ करते हैं एज अ स्टेबलाइज़र। ट्रैगाकैंथ जो है उसको रिपोर्ट किया गया है कि वो कैंसर सेल को इन विट्रो और इन वाइवो उसकी ग्रोथ को भी रोक सकता है या फिर स्टॉप कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है। तो ये हमने कुछ यूजेस जो हैं ये पढ़ लिए हैं ट्रैगाकैंथ के। आपको ये नीचे के 20 क्वेश्चंस हैं, इन 20 क्वेश्चंस के आंसर्स लिख के सबमिट करने हैं।
ये क्वेश्चन के आंसर आपको शॉर्ट रखने हैं, मतलब एक दो लाइन से ज़्यादा के आंसर्स मत लिखिएगा, या जिनके आंसर एक दो वर्ड में हो वो भी आप लिख के सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट करके पूछ सकते हैं। तो आपका टॉपिक ट्रैक अ कैन जो है वो आज ओवर हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।